अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख के ऐसे बादशाह जिनकी मौत निहायत दर्दनाक हुई, इनमें नंबर वन पर हैं ख्वारज़्म शाह। ये ख्वारसी सल्तनत के आखिरी बाइख्तियार सुल्तान थे। आपका असल नाम मुहम्मद था। तख्त के बाद सुल्तान ने अपना लकब अलाउद्दीन नानी रखा, लेकिन तारीख में वो हमेशा ख्वारज़्म शाह के नाम से जाने जाते हैं। ख्वारसी सल्तनत दरअसल वस्त एशिया और ईरान की एक सुन्नी मुस्लिम बादशाह थी, जो पहले सुलजुकी सल्तनत के मातहत थे और 11वीं सदी में वो सुलजुक से आज़ाद हुए थे। ख्वारज़्म शाह ने अपने दौरे हुकूमत में सुल्तान को उरूज तक पहुंचा दिया था, लेकिन ख्वारज़्म शाह का जवाल तब शुरू हुआ जब इसके गवर्नर ने चंद मंगोलों को शक के बिना पर कत्ल कर दिया था, क्योंकि चंगेज़ खान और ख्वारज़्म शाह के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ था। गवर्नर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी। जब चंगेज़ों ने खबर सुनी तो वो आग बगोला हो गए और फिर इसके बाद ख्वारज़्म शाह पर चढ़ाई कर दी। ख्वारज़्म शाह के पास एक बड़ी फौज थी। वो चंगेज़ खान की फौज की ताकत का दुरुस्त तरह से अंदाज़ा न लगा सका, जिसकी वजह से इब्तदाई मरहलों में ख्वारज़्म शाह को बुरी तरह मंगोलों से शिकस्त हुई और फिर मंगोल यक्के बाद दीगर शहरों को फतह करते गए। मंगोलों के हमलों की वजह से ख्वारज़्म शाह खौफजदा हो गए और बजाय इसके कि वो फौज को जमा करके मंगोलों से मुकाबला करता, इसने मंगोलों से भागना शुरू कर दिया। चंगेज़ खान ने अपनी फौज को सख्त तरीन अहकाम दिए हुए थे कि ख्वारज़्म शाह को जिंदा या मुर्दा किसी सूरत में पेश किया जाए। हुक्म की तामील करते हुए फौज ने ख्वारज़्म शाह का पीछा शुरू कर दिया। ख्वारज़्म शाह जब समरकंद से जान बचाकर भागा तो मंगोल इसके पीछे थे। ख्वारज़्म शाह ने सरतोड़ कोशिश की कि किसी तरह इन वहशियों से जान छुड़ाई जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब न हो सका। इसने कई बार बेस बदल कर जिंदा रहने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं से मंगोलों को खबर हो जाती थी। मंगोलों से जान बचाते हुए आखिरकार ख्वारज़्म शाह एक जजीरे में जाकर आबाद हुआ। ये महफूज तो था, लेकिन यहाँ सहूलियात ना होने के बराबर थी। ना सिपाही थे और ना ही खिदमतकार, चंद एक साथी थे। और ये भी कहा जाता है कि मौत के वक्त कफन ना था और ख्वारज़्म शाह को इसके कपड़ों में दफनाया गया था। इस सानहे से आप इस बादशाह की जबो हाली का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ये वही बादशाह है जिसका ताज सोने का हुआ करता था, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग फिदा हो जाते थे। नंबर टू, टीपू सुल्तान। व्यूअर्स, आप में से टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता होगा। टीपू सुल्तान बरसगीर में हुकूमत के खिलाफ आखिरी चट्टान थी। आप बंगलोर हिंदुस्तान में हैदर अली के घर पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में बजोर शमशीर अंग्रेजों को रोके रखा। 1768 में पहली बंगलोर जंग में टीपू सुल्तान की हमलों में इस कदर शिद्दत थी कि अंग्रेज अपनी तोपें छोड़कर भाग गए और किले में महसूर हो गए। जब टीपू सुल्तान किले की तरफ बढ़े तो अंग्रेज फौज किले को छोड़कर साहिल की तरफ भाग निकली। इस दौरान बेशुमार अंग्रेज मारे गए। टीपू सुल्तान के लिए मशहूर था किसका वार कभी खाली नहीं जाता था। जब भी तलवार नियाम से निकलती तो दर्जनों के सर कलम करती थी। इस दौरान बहुत से अंग्रेज कैदी बन गए। अंग्रेजों से दूसरी लड़ाई 1780 में हुई। इस जंग में हैदर अली के पास 90,000 की फौज थी। उन्होंने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए टीपू सुल्तान को रवाना किया। टीपू सुल्तान 10,000 की फौज के साथ 15 मील के फासले से पहले ही अंग्रेजों पर हमला कर चुके थे। टीपू सुल्तान ने इस तरह गोलाबारी करवाई कि अंग्रेज फौज के 4,000 सिपाही जहन्नम वासल हो गए। टीपू सुल्तान का मशहूर कौल है कि शेर की 1 साल की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की बहादुरी, जुर्रत और ताकत को देखते हुए जनरल हेक्टर ने हथियार डाल दिए। इसके बाद 6 दिसंबर 1882 को टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली का इंतकाल हो गया। टीपू सुल्तान के लिए नई नई मुश्किलात खड़ी हो गई। कभी अंग्रेजों और कभी मरहटों से जंग में मसरूफ होते,
और कभी खानदान की साजिशों का सामना करते। टीपू सुल्तान की जिंदगी की आखिरी जंग 1899 में लड़ी गई और ये जंग टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी और जुर्रत के साथ लड़े, लेकिन मीर सादिक की गद्दारी के बायस सुल्तान की फौज की कमर टूट गई थी, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की शहादत के कई घंटे तक अंग्रेज इनकी लाश के करीब नहीं गए। वो खौफ खाते थे कि कहीं दोबारा उठकर फिर ना लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि मौत के बाद भी टीपू सुल्तान के हाथ में तलवार मौजूद थी। तो व्यूअर्स, टीपू सुल्तान हो कि ख्वारज्म शाह, हमेशा अपनों की गद्दारी के बायस मारा गया है। इन अजीम रहनुमाओं की शान में एक जुमला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।